पाकिस्तान जनाब आहत खान चीमा साहब, इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान कौमी असेंबली, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और दीगर मुअज्जज वफाक और पंजाब के अफसरान, शाहदरा के मेरे बुजुर्गों भाई और बहनों, अस्सलामुअलैकुम। आज मुझे यहां पे आके खुशी भी हुई है और कुछ मामलात में जरा तशवीश भी हुई है। खुशी इस हवाले से कि पंजाब हुकूमत वजीर आला इंटरम वजीर आला जनाब मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी उनके जो रुफका हैं, वो चाहे सिविल सर्वेंट्स हैं या पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो यकीनन बड़ी मेहनत से मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर जो स्पीड इस सूबे में मियां नवाज शरीफ के जमाने में बन चुकी थी तरक्याती और खुशहाली के मतलूबों की, वो इस हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं। ये तो एक इंटरिम गवर्नमेंट है और अपने ताई पूरी कोशिश कर रही है। अफसोसनाक बात यह है कि पिछले 4-5 साल में न सिर्फ इन तमाम मंसूबों को ब्रेक लग गई और कई मंसूबे अदम तवज्जो की वजह से दम तोड़ गए और कई मंसूबों के ऊपर उस हुकूमत ने जानबूझकर मामलात को सुस्त रवि की तरफ डाल दिया क्योंकि उनको उन मंसूबों से चिढ़ थी। हालांकि वो मंसूबे इस सूबे के आवाम के लिए थे, इस शहर में, इस सूबे में हमारी माओं बहनों नौजवानों के लिए। मैं आपको एक दो वाकयात अभी सुनाऊंगा ताकि आपको सही तरह से हालात से आगाही हो, मगर आगे चलने से पहले जो कमिश्नर लाहौर हैं अली रंधावा, उनको मैं ज्यादा तौर पर जानता हूं, इंतहाई शरीफ नफ्स ऑनेस्ट और फर्शनाज ऑफिसर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और डिप्टी कमिश्नर एक हमारी बेटी हैं कौम की, उनकी भी मैंने बड़ी अच्छी शोहरत सुनी है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि यहां पर कालीन नहीं होने चाहिए थे। अली रंधावा के होते हुए कालीन नहीं होने चाहिए थे, यहां पर चादर होती जमीन पे। आजकल के जो हालात हैं उनको देखते हुए मैं समझता हूं कि सादगी हमारा ओढ़ना बिछोना होना चाहिए, लेकिन अली छोटे भाइयों की तरह है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जहां पर वो दिन रात मेहनत कर रहा है, फ्री आटे की तरसील के लिए अली रंधावा ने बेपना मेहनत की है, चीफ सेक्रेटरी की सरब्राई में, चीफ मिनिस्टर की सुपरविजन में, और उस खातून इस बच्ची ने, डिप्टी कमिश्नर ने और पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं दर्जा बदर्जा। मैं समझता हूं कि ये मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा रिस्क की मंसूबा था, ये फ्री आटा। मैंने अपने जमाना है खादम पंजाब में 12 साल रमजान शरीफ में हर दुकान में सस्ता यानी सब्सिडाइज आटा दिया, फ्री आटा का मैंने कभी सोचा नहीं था। ये इख्तरा जो सोच इस नौजवान इंटरिम चीफ मिनिस्टर की थी मोहसिन नकवी साहब की, और फिर जब मैंने मीटिंग्स की और कई मीटिंग्स की तो उन्होंने, और चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे, मैं ये कह रहा था कि हम हर दुकान पर सस्ता आटा दें, फ्री ना दें, ताकि दकम पेल हुई तो उसका कौन जवाब देगा, कहीं खुदा ना खास्ता मामलात हाथ से निकल जाएं। बड़ी सोच विचार के बाद
ये फैसला हुआ, कहीं इक्का दुक्का वाकयात हुए जिसका हम सबको बहुत अफसोस है, लेकिन मैं यहां पर शाबाश देना चाहता हूं पंजाब के चीफ मिनिस्टर को और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को और उनकी तमाम इंतजामिया को कि उन्होंने बड़ी जांफशानी से ये मरला तय किया। अभी तक अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, इंशाल्लाह ये फ्री आटे का जो मरला इंशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से तय हो जाएगा। तकरीबन 8 से लेकर 10 करोड़ लोगों को इस फ्री आटा से इसका फायदा पहुंच रहा है, 8 से 10 करोड़ लोग पंजाब में। यह कोई मामूली बात नहीं है, मुंह से कह देना कि 8 से 10 करोड़ लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और फिर शनाख्ती कार्ड जो कि पॉवर्टी स्कोर में जिनका नाम दर्ज नहीं था उनके लिए भी हमने कहा कि उनको दिया जाए, ताकि खल्के खुदा है शायद किसी की आवाज आसमानों को चीरती हुई अल्लाह ताला के यहाँ पहुंच जाए और कबूलियत हो और पाकिस्तान के हालात अल्लाह ताला बदल दे और सही मानों में इसको कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाए। तो इसलिए 10 करोड़ लोगों तक ये फ्री आटा इसकी तरसील हुई है, जो कि बहुत बड़ा तारीख का पहला मौका है 75 साल में। मैं एक मरतबा फिर इनको सबको मैं सताइश पेश करता हूँ, इंशाल्लाह बहुत शानदार काम अदा किया है। आगे चलकर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस शहर लाहौर बस भाई इस शहर लाहौर में जो मियां नवाज शरीफ की क्यादत में जो मंसूबे बनाए गए, आपकी आपके बच्चों की आपके आने वाली नस्लों की खुशहाली और सुकून और उनकी हिफाजत के लिए, वो बेशुमार है। मैं किसी एक मंसूबे का नाम ना लूं, अगर गिनती शुरू करूं तो शायद फहरिस्त मुकम्मल नहीं होगी, मगर ये नशस्त ये बर्खास्त हो जाएगी, चाहे ये ग्रेटर इकबाल पार्क हो, चाहे आपका मेट्रो बस हो, चाहे आपका ये अस्पताल हो, चाहे आपकी ये क्रिकेट ग्राउंड हो। याद है ना आपको ये क्रिकेट ग्राउंड, यहां पर आवारा कुत्ते फिरते थे, नशे ही बैठते थे, दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है? भाई जोर से बात करो, ये बात दुरुस्त है? बिजली के मंसूबे 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, नवाज शरीफ की क्यादत में 20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई 2018 में। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये अल्लाह ताला के फजल करम से एक बड़ा अजीम कारनामा था कि बिजली की लोड शेडिंग खत्म करना। उसके बाद क्या हुआ, आज मैं आपसे बड़ी एक दिल से बातें करना चाहता हूं। उसके बाद क्या हुआ, 2018 में झुरलू इलेक्शन हुआ और मुझे नहीं पता कि वफाक में नेशनल असेंबली में मियां नवाज शरीफ की क्यादत में मुस्लिम लीग नून को कितनी सीटें मिलती और पंजाब में कितनी सीटें मिलती, लेकिन एक आम आदमी एक छाबड़ी वाला भी इस बात की गवाही देता था कि नवाज शरीफ की क्यादत में जो 2013 से 18 तक जो तरक्की और खुशहाली का सफर पूरे पाकिस्तान में हुआ और पंजाब में हुआ, उसके पेश नजर लोग अपने दिल से नून को और शेर को और नवाज शरीफ को वोट देना चाहते थे, लेकिन मोहर कहां लगी और कौन जीत के आया, ये एक ऐसी तलख दास्तान है कि जिसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपके आंसू नहीं थमेंगे कि इतनी बड़ी तारीख की गड़बड़ हुई। यानी आम तौर पर देहातों में जो इंतखाबात के रिजल्ट्स हैं उसमें 1-2 दिन लग जाते हैं, ये उल्टा चक्कर हुआ कि देहात में फर फर नतायज आना शुरू हो गए और शहरों के नतायज कई कई हफ्ते ताखीर का शिकार हो गए। और उसके बाद फिर जो हुकूमत आई, मुझे बताएं कि ये जो मेरा मंसूबा था, नून का मंसूबा था, नवाज शरीफ का मंसूबा था कि मेट्रो को शाहदारा से काला शाह काकू लेके जाया जाए, क्या हुआ उसका 4 साल में? अपने दिल पर हाथ रख के बताएं मुझे, ये जो हमने प्रोग्राम बनाया था कि रावी तक हम फ्लाईओवर बनाएंगे और उसके लिए पूरी उसकी मुकम्मल तौर पर उसकी फिजिबिलिटी बन गई थी, वो इलेक्शन के आखिरी
इलेक्शन से पहले आखिरी महीने थे, मैं आपसे यहां पर वादा करके गया था कि इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो 2018 में ये सारा मुकम्मल हो जाएगा। अगर हमें अल्लाह ने मौका वो दिया होता जो कि हमें मिल गया था, वो झुल्लू ने और फ्रॉड ने और जाली इलेक्शन ने वो हमसे मौका छीना, नवाज शरीफ से मौका छीना, मुझसे नहीं, नवाज शरीफ से नहीं, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से छीना, जो तरक्की और खुशहाली का एक नया सफर देख रहे थे, वो मंसूबा रह गया। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। और फिर वो हुकूमत ने करप्शन की आखिर हो गई, थाने बिकते थे, डीपीओस डीसीओस के दफ्तरों की बोलियां लगती थी, ये याद, ये बात आप भूल गए? मेरे जमाने में, नवाज शरीफ के जमाने में किसी की जरूरत थी कि वो थाने की बोली लगवा ले या डिप्टी कमिश्नर या डीपीओ के दफ्तर के ओहदे की बोली लगवा ले? कुछ सोच नहीं सकता था। हम इंसान हैं, गलतियां इंसानों से होती हैं, जरूर कुताही हुई होगी, ये अल्लाह ताला बख्शने वाला है, माफ करने वाला है, हमें हर वक्त उसके हजूर अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, लेकिन दानिस्ता तौर पर यह मुमकिन नहीं था कि नवाज शरीफ के दौर में और मेरे सूबे में के दौर में कोई करप्शन थी। करप्शन तो शायद क्यामत तक बंद ना हो, लेकिन उसमें कमी लाना, उसमें गिरावट लाना, ये होता है हुकूमत की जिम्मेदारी, जिसके लिए हम दिन रात काम कर रहे थे। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये वो सफर था तरक्की और खुशहाली का, मगर उसको फिर नजर लग गई, उसको नजर लग गई और तरक्की जो है वो माकूस हो गई और हर जगह यहां पर वैरानी छा गई। याद करें वो दिन जब इस शहर की माल रोड और गुलबर्ग रात को 2 बजे सड़कें धुलती थी। मैं दुरुस्त कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आपको याद होगा, आज वो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इन 4 सालों में सड़कें बर्बाद हो गई, सफाई बर्बाद हो गई, सफाई का निजाम खत्म हो गया। वो तुर्क हमारे जो दोस्त थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनको बेइज्जत किया गया। ये है जो तबाही पिछले 4-5 साल में इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर और इस शहर में बपा की गई। मैं ये समझता हूं कि आज फिर एक मौका आया है। देखिए, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मुझे या इस नौजवान इंटरिम वजीर आला को या इसकी हमारी इंतजामिया को या हमारी हुकूमत को अगर अवाम का दर्द ना होता, मैं पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहता कि ऐसा ना हो कि मुबादा आप ये समझे कि मैं खुद नुमाई से काम ले रहा हूं, लेकिन मैं इसी मिसाल को आपके सामने रखकर बताता हूं कि महंगाई जरूर है और मुझे पता है कि आम आदमी की जिंदगी तंग है, मैं जानता हूं इस बात को। इसीलिए हमने ये फ्री आटे का इंतजाम किया। इसके ऊपर कितने अरब लगे? 65 अरब रुपए एक महीने में, सिर्फ रमजान शरीफ के महीने में, लाहौर से लेके कोट सबजल तक रहीम यार खान और उधर अटक तक 65 अरब रुपए की खतीर रकम से ये फ्री आटे का इंतजाम किया गया है। क्यों? इसलिए, अबे बैठ जाए, जरा बात सुनने मेरी, भाई बैठ जाए, भाई बैठ जाए, ओ भाई बैठ जाए। क्यों? इसलिए कि मुझे, मेरे कायद नवाज शरीफ को, मखलूत हुकूमत को, हम सबको पूरा एहसास है कि महंगाई ने अवाम का जीना दुबर कर दिया है और महंगाई के क्या असबाब हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो 4 साल की कहानी अभी मैंने इख्तसार के साथ आपको बयान की, फिर कभी बताऊंगा कि किस तरह हमें IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारे झोली में पड़ा और किस तरह हमने आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। मैं उस दिन के लिए मैं अल्लाह ताला से कहता हूं कि मेरी जिंदगी में अगर हम IMF से जान छुड़ा लें और ये जो बेड़ियां हैं IMF की ये कट जाएं एक दिन, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा। फिलहाल हमें IMF की शरायत माननी पड़ रही हैं, हमारे पास कोई और च्वाइस नहीं, हर कड़ी उनकी शर्त हमें माननी पड़ रही है, हमें उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कहना चाहता हूं, इंशाल्लाह
कि ये IMF का मुआहिदा हो जाए। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहां पर अब जो अदालत उज़्मा में और पार्लियामेंट में जो मामला चल रहा है वो आपके सामने है, वो यहां पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। कहना यह चाहता हूं कि हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर, और पाकिस्तान को जरूर हम इंशाल्लाह कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। अगर मेरी जिंदगी में ये सफर इकबाल और कायद का सफर हम शुरू कर दें तो मेरी रूह कब्र में बड़ी सुकून से होगी कि जिसके लिए पाकिस्तान बना था, जिस मकसद के लिए, जिसके लिए अजीम कुर्बानियां दी गई, वो कुर्बानियां आज रंग दिखा रही हैं। तो मेरे भाइयों और नौजवान साथियों, आज यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक फ्लाईओवर बना रही है पंजाब हुकूमत, एक फ्लाईओवर बना रही है वफाकी हुकूमत, जो इमामिया कॉलोनी का जो फ्लाईओवर है वो वफाक बना रहा है, जो शाहदरा का जो फ्लाईओवर है वो पंजाब हुकूमत बना रही है। हम दोनों मिलकर एक दूसरे से भरपूर तावन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये मंसूबे जो कि कई सालों से ताखीर का शिकार हुए उनको इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। जो इमामिया कॉलोनी का जो फ्लाईओवर है उसको 18 माह लिखा था कि मुकम्मल होने में, मैंने कहा कि शहबाज शरीफ का तो ये काम नहीं है कि 18 महीने, शहबाज शरीफ तो इससे बेहतर है कोई घर बैठ जाए, 18 महीने में अगर चीज मुकम्मल होनी तो फिर कोई और आके मुकम्मल कर ले। इनको मैंने 3 महीने दिए हैं, 3 महीने ये बैठे हैं सामने, बैठ जाए कैप्टन साहब, बैठे हैं जो सेक्रेटरी, बैठ जाए कैप्टन साहब, बैठे हैं, ओ भाई बैठ जाए, बैठ जाए कैप्टन साहब, बैठे हैं जो सेक्रेटरी कम्युनिकेशन है, दोनों जो फूल इनके सर पे हैं, ये चेयरमैन भी हैं NHA के और कैप्टन भी हैं और तीसरा ये सेक्रेटरी भी हैं, इसके बढ़कर इनको और क्या होता चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इनको 3 महीनों में ये मुकम्मल करना होगा। काइंडली जरा खड़े हो, जरा अपना चेहरा दिखाएं आवाम को, इस तरफ होके हाथ खड़ा कह के 3 महीने में जिंदगी रही तो बनाएंगे, अब कह देना आप इनको, चल जी 3 महीने में इसको मुकम्मल कराएंगे इंशाल्लाह। ओ भाई बाप, आप जरा अपना टोप आपने बहुत लंबा पहना है, बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह, बहुत बहुत खूब। तो दूसरा जो है मेट्रो का मंसूबा, वो भी अपना आपके लिए है, आपकी हमारी बेटियों के लिए, बच्चों के लिए शाहदरा, और तो मेट्रो का मंसूबा जो है उसको यहां पर काला खताई तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह, काला शकाकू लेके जाएंगे इसको, ताकि ये जो ट्रैफिक का अज़दहाम है ये खत्म हो। और उसके लिए अबे बैठ जाए, उस बैठ जाए, अबे बैठ जाओ, ये अज़दहाम खत्म हो तो इसको हम इंशाल्लाह काला शकाकू लेके जाएंगे। ये मेरी वजीर आला साहब से भी बात हो गई है और ये मंसूबे अवाम के हैं। और आप देखिए कि जब 2018 के इलेक्शन में अभी कई महीने पड़े थे तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने इन तमाम मंसूबों पर पाबंदियां लगा दी थी। क्यों? इसलिए कि नून लीग ना जीत सके। उन्होंने बाकायदा बुला बुलाकर अफसरों को तनबीह की अपनी अदालत में, हफ्ते और इतवार के दिन जो अदालत लगते थे वो किसी यतीम की दरखास्त के ऊपर फैसला करने के लिए नहीं, किसी बेवा को उसका हक दिलाने के लिए नहीं, किसी जालिम को उसको कारवा की सजा देने के लिए नहीं। ये बताएं 56 कंपनियां ये लेके आए, ये इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें आप कहां से ले रहे हैं ये सरकारी अफसरान? 56 कंपनियां, मेरे बुजुर्गों भाई और बहनों सुन लो, इस वाक्य को 4 साल हो गए हैं, 56 कंपनियों में कौन सी एक कंपनी है जिसमें मेरे खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित हुई? अब वो 56 कंपनियों का नारा क्यों नहीं लगता और वो बड़ी बड़ी तनख्वाहों लेने वाले अफसरान की बात क्यों नहीं होती? वो सिर्फ पंजाब में थी, आज भी वफाक में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KP में जो कंपनियां, जो अच्छे अफसर काम करते हैं या लोग काम करते हैं, उनको बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं,
उनका तो साकिब ने कभी पूछा नहीं। और एक बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं, ये जो ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन जानते हैं ना आप, सफर किया उसमें? कितनों ने सफर किया, हाथ खड़ा करें। कैसा सफर है? सफर कैसा है? क्या लगता है अंदर बैठे हुए? हिंदुस्तान दिल्ली में इस तरह का उनके यहां भी है, लेकिन हमारा ऑरेंज लाइन दिल्ली से कहीं बेहतर है। ये शहर लाहौर दिल्ली से कहीं साफ था, ये शहर लाहौर दिल्ली से कहीं खूबसूरत था, ये शहर लाहौर दिल्ली से कहीं सरसब्ज था, लेकिन इसको नजर लग गई इन तमाम उन लोगों की जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की करे या नवाज शरीफ दोबारा आकर इस तरक्की के सफर को शुरू करे। तो साकिर मंसार ने क्या किया, ये ऑरेंज लाइन ये चीन ने तोहफा दिया था पाकिस्तान को, और मुझे कहा था कि वजीर आजम चीन ने, जिनका नाम प्रीमियर ली अब रिटायर हो गए हैं, उन्हें कहा था ये, और प्रेसिडेंट शी ने भी, कि ये आपके लिए और आपके भाई के लिए तोहफा दे रहे हैं हम, पाकिस्तान के अवाम के लिए, लाहौर के अवाम के लिए। पहले पीटीआई लाहौर में गई, दरखास्त दी, 11 महीने यहां पर केस सुना गया, सुनने वाली बात है, 11 महीने केस यहां पर लगा रहा ऑरेंज लाइन के खिलाफ, और जो काबिल एहतराम जजेस थे उन्होंने करप्शन के हवाले से एक लफ्ज नहीं लिखा, क्लीन चिट थी, 300 सफे का वो फैसला आया। उसके बाद पीटीआई उसमें अपील में चले गए इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, यही साकिब निसार साहब ने इसकी पूरी प्रोसीडिंग्स कार्रवाई उन्होंने सुनी, और जब मुकम्मल हो गई कार्रवाई तो 8 महीने फैसला ना दिया। क्यों? कि ऑरेंज लाइन मुकम्मल हो गई इलेक्शन से पहले, तो ये तो फिर नून लीग के वारे न्यारे हो जाएंगे। कितनी कम जर्फी है, कितनी एक पस्त सोच है कि ये मंसूबा मेरा नहीं था, ये मेरी कौम की बेटियों का, बेटों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, माओं का, मरीजों का, डॉक्टरों का, तालिब इल्मों का, उस्तादों का, एक बेवा का, एक यतीम का मंसूबा था, जिसके लिए अरबों रुपए चीन ने हमें दिए थे, और ये ताखीर से जो बना उसमें अरबों रुपए कीमत बढ़ गई, सूद उसका पड़ा, अवाम को उसका फायदा ना पहुंचा, और साकिब निसार ने अपनी दिल की भड़ास निकाली। इसी तरह पीकेएलआई, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, जो डिफेंस में बनाया हमने, उसको साकिब निसार ने तबाह बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसलिए को अपने भाई को वहां पर अपना इंचार्ज लगवाना चाहते थे। जो लोग, जो कौमें इस तरह तबाही का शिकार होती हैं, तो फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी बेटियों, मैं आपको आज कहने आया हूं कि कौमें तब बनती हैं कि आप जाति पसंद नापसंद से बाला तर होकर, आप जाति अनाथ को एक तरफ करके, आप अपने शेख रशीद के हलके में तो आप पहुंच गए, आप चीफ जस्टिस थे कि शेख रशीद के, आप उसके इलेक्शन के, आप उसके उसके पोलिंग एजेंट थे या आप चीफ जस्टिस थे, उसके हलके में आप क्या करने गए थे इलेक्शन से 3 दिन पहले? ये है वो तारीखी लम्हे जिसने पाकिस्तान को आज तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, इसमें ये मुश्किल चैलेंज जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो लॉ एंड ऑर्डर आज से 4-5 साल पहले की सूरत हाल थी, शहदारा वालों मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपका दिल गवाही देगा। ये तो नहीं कि पुलिस जो है वो सब फरिश्ता थी और अमन सुकून हर तरफ था और कोई चोरी चकारी नहीं होती थी, नहीं, वाकयात जब तक क्यामत नहीं आएगी चोरी के भी वाकयात होंगे, दूसरे वाकयात भी होंगे, लेकिन असल बात यह है कि क्या हुक्मरान जागरूक नहीं जाग रहे, क्या पुलिस का जो सिपा सरदार है वो जागरूक नहीं जाग रहा, क्या इंतजामिया अपने जो फराइज अदा कर रही? वो जमाना था नवाज शरीफ की क्यादत में जब अल्लाह ताला के फजल करम से हर तरफ बेहतरी हो रही थी, और फिर कोई ऐसी किसी दुश्मन की नजर लगी कि हम फिर जवाल पजीर हुए। लेकिन मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि आपने परेशान नहीं होना, चैलेंजेस जरूर हैं, मगर जिंदगी रही और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो पाकिस्तान
जरूर इन मुश्किलात से निकलेगा, पाकिस्तान जरूर अपनी मंजिल को पहुंचेगा, पाकिस्तान जरूर उसके झंडा दुनिया में सबसे ऊपर लहराएगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह अगर बिजली के अंधेरे खत्म हुए, अगर दहशतगर्दी इस मुल्क में खत्म हुई, अगर इस मुल्क के अंदर और इस शहर में चारों तरफ सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाए गए और मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया किया गया, दवाइयां मुफ्त दी गई, तो फिर आप यकीन कर लें कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये मुश्किल के वक्त भी गुजर जाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की मंजिल की तरफ रवां दवां होगा। ये मेरा आपसे वादा है और हमने इसको मिलकर हमने इसको तय करना है। कल हमारी मीटिंग थी नेशनल असेंबली की इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग, उसके बारे में तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि वो एक ट्रस्ट है, उसके बारे में कोई लफ्ज नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि आईएमएफ की शरायत में, भाई जरा गौर से सुने, आईएमएफ की शरायत में आखिरी शर्त ये थी कि आप अपने दोस्त ममालिक से चंद अरब डॉलर लेके आए, ये उनकी शर्त थी। और मैं आपको आज हकायक बताना चाहता हूं, चीन ने आज से कोई दो महीने पहले उन्होंने, चीन ने अंदाजा लगा लिया कि पाकिस्तान को अब मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है और ऐसी कड़ी शराइत पाकिस्तान के आगे रखी गई हैं जिसको निपटना पाकिस्तान के लिए कोई आसान काम नहीं। और याद रखना मेरी बात, मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी आपको ये बात अल्लाह ताला के फज़ल करम से 100% दुरुस्त नजर आएगी कि चीन पाकिस्तान का जिस तरह सऊदी अरब, जिस तरह यूएई, जिस तरह कतर पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों में शामिल होते हैं, चीन इसी तरह पाकिस्तान का बेहतरीन मुरब्बी है। जब चीन ने देखा कि पाकिस्तान के लिए कांटे बिछाए जा रहे हैं और मुश्किलात में पाकिस्तान गिर रहा है, तो उसने, चीन ने हमें $2 अरब तो उन्होंने जो हमें दिया हुआ था, हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर्जा, उसको उन्होंने रोल ओवर कर दिया और उसके अलावा जो कर्जे हमने उनको वापस किए थे वो उन्होंने $2 अरब उन्होंने हमें वापस कर दिए कि ये ले लें, आप अपने पास रखें ताकि आप अपना काम चलाएं। ये होती है दोस्ती, ये होती है भाईचारा। अब आ जाएं और आईएमएफ ने कहा कि ये तो काफी नहीं है, हमें आप औरों से भी पैसे लेके दें। अब बताइए क्या पाकिस्तान, आप में से यहां पर कई लोग बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लंबी टोपी पहनी है, और यहां पर नौजवान बैठे हैं, आप में से कई बड़े, आपके दादा, आपके नाना, परदादा हिंदुस्तान से आए होंगे, अपना पाकिस्तान बनते वक्त या उससे पहले रास्ते में कईयों के बच्चे शहीद हो गए, कई को माओं के आंचल फटे, कई वहां पर हिंदुओं से, सिखों से लड़े और वहीं वहां पर उनकी कब्रें खुद गईं, तब जाकर पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। क्या इसलिए कि हम कर्जों की मैं पीते रहे, इसलिए कि हम बेकारी बने रहें, इसलिए कि हम अपने पांव पे खड़ा ना हो? नहीं नहीं, उनकी कब्रें, उनकी रूहें कब्रों में तड़प रही हैं और आपसे और मुझसे पुकार पुकार सवाल कर रही हैं कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसके लिए हमने अपने खूनों का नजराना दिया था, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसके लिए रास्ते में मेरी बेटी शहीद हो गई थी, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसके लिए मेरी वालदा ने दम तोड़ा था अमृतसर में या अटारी में या किसी और जगह पर, ये वो पाकिस्तान नहीं है। मैं समझता हूं कि यही वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब इकबाल ने और हजरत काजम ने बताया था, वो पाकिस्तान जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी, हनूज शर्मिंदा ताबीर है। और ये मैंने जो चीन की आपको मिसाल बताई है, अब मैं आपको आखिरी बात इस बारे में बताना चाहता हूं। तो आईएमएफ ने कहा कि बाकी अपने दोस्तों से पैसे लेके दें, तो चुनाचे पिछले 1.5 महीने में हमने सरतोड़ कोशिश की और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं सऊदी अरेबिया का, इंतहाई शुक्रगुजार हूं मैं अपने यूएई का जिन्होंने हमें $3 अरब दिए, हमें $3 अरब। और इसके लिए मैं तो उनसे जाके बात कराया था, लेकिन उसके लिए जो तगोदो की है, जो मेहनत की है, जो पसीना गिराया है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, वो हमारे नौजवान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कोशिश की, इसहाक डार साहब जिनको रातों को भी नींद नहीं आती बेचारों को, वो इस काम के लिए दिन रात जुटे रहे,
और जो नए जो सपा सलार आए हैं जन अस मुनीर, रातों को ये जागे और सऊदी अरेबिया से यूएई से मैंने इस तरह ये मामला तय पाया और अब आईएमएफ के पास कोई बहाना नहीं है। तमाम शरायत मंजूर हो गई हैं, इंशाल्लाह वो कर्जा मंजूर होगा, लेकिन फैसला ये करना है कि हमने कर्जों के ऊपर जिंदगी बसर करनी है या खुद अपने पांव पर खड़े होकर मेहनत अमानत और दयानत के जरिए हमने पाकिस्तान को अपने खानदान को बच्चों को बनाना है संवारना है। ये है वो सवाल जिसका जवाब आपने और 22 करोड़ अवाम ने देना है, जिसका जवाब मैंने देना है इस अदालत में और अल्लाह की अदालत में। तो मैं आपको जो आज आखिरी बात करने आया हूं, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों और बहनों सुन लो मेरी बात, वो कौमें तभी तरक्की करती हैं जो खुद उठती हैं और फैसला कर लेती हैं कि अल्लाह के सहारे हमने जिंदा रहना है इज्जत के साथ और अपना मकाम पैदा करना है। और वो मकाम जो है वो किस तरह पैदा होता है, वो जादू टूने के बगैर नहीं होता, वो छू मंत्र से नहीं होता, वो मेहनत से होता है, वो रियाजत से होता है, वो दयानत से होता है। इसलिए मैं इस शेर के ऊपर अपनी बात खत्म करता हूं कि जब अपना काफिला अज़्म-ओ यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म-ओ यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। राणा साहब ने कोर्ट अब्दुल मालिक में अस्पताल की बात की, तो मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो सीएम को कहें कि इसकी फिजिबिलिटी फौरन बनवाएं और वहां पर अस्पताल बनवाएं और लोगों की दुआएं लें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। लाहौर में शाहतरा चौक फ्लाई ओवर मनसूबे की तकरीब से वजीर आजम शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जो स्पीड निया नवाज शरीफ के जमाने में बन चुकी थी, पिछले 4-5 साल में इन तमाम मनसूबों को बेड़ा गर्क कर दिया है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा।